हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बिहार पुलिस में जितने भी प्रीवियस ईयर बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, तो टी लस्सी कानुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वह कौन था, तो कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपना उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, तो इसका हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, मतलब कह रहा है क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत कौन प्रस्तावित किया था, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा सट्टन एवं बोवरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीच की ओर जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, द्वितीयक जाइलम। नेक्स्ट है, केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है, तो इसका है OAA। यह पूछा गया क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सकर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आपका विटामिन सी के कमी से सकर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु क्या है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जमता है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जमता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण जो है दूध दही में जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है, तो ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है यहाँ, रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का वह दोहराव परिसंचरण होता है, RBC केंद्र रहित होता है, और इधर ऑप्शन और दिया होगा बताते हैं आपको। हृदय में 3 कोश 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है मेढक में। नेक्स्ट है, निम्न क्या है, निम्न में से कौन सा संवाहिनी क्रिप्टो गेम्स मतलब अपुष्पी है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है संवाहिनी क्रिप्टो गेम्स है, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, अनुवंशिकता के जनक कौन है, तो आप जानते हैं ग्रेगर मेंडल जी को, तो ये राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 12, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा एडिसन का रोग, राइट। बाकी सभी जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, ये सब ये नहीं है, तो यह राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थिति होते हैं कहलाते हैं क्या, तो आपका राइट जवाब एसेंट्रिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है, तो आपका निजरलीकरण। यह सभी क्वेश्चन पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं को, मतलब रेड डाटा बुक जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग होता है किनके कारण, तो 16 का सी हो जाएगा, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट है, कॉर्क क्या है, कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है, तो इसका राइट जवाब सुबेरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे है कि डैश रोग क्या है, डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, मतलब मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 18 का बी, ई बोले हेमरेजिक बुखार, क्योंकि चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया मच्छर काटने से होता है, और यह जो है बी नहीं होता है, तो नहीं पूछा है क्वेश्चन,
तो B4 बॉम्बे राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो 19 का हो जाएगा आपका यहाँ पर दिखा हुआ दृष्टि पटल, रेटिना, और अब अभी आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन था नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो इसका राइट जवाब आपका होगा ये परितारिका, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो आप लोग जानते होइएगा इस क्वेश्चन का, 206 अस्थियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका होता है हीमेटोजायलिन। नेक्स्ट है प्रणाव स्तंभ का उदाहरण है नागफनी, पत्र प्रकलिका, एस्पेरागस है, करुंदा है। तो इसका 22 का हो जाएगा नागफनी, प्रणाव स्तंभ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है, जीन अभियांत्रिकी में जीन को क्या किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं इसका मेनुपुलेशन किया जाता है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है यहाँ पे कि डैश कोशिकांग में DNA होता है, डैश कोशिकांग में DNA होता है, केंद्रक में DNA होता है। नेक्स्ट है जीव क्रीम या एक कॉर्नवर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? तो आप लोग इसका राइट जवाब करिएगा बैलोनोगलोसम, राइट। नेक्स्ट है 26 चिरोप्टेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। लिखा हुआ प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डैश द्वारा किया जाता है, तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर 28 प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निष्पंदन एकक उपस्थित होते हैं? तो इसका वृक्क कानू होगा। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं वे क्या कहलाते हैं? कुछ न्यूक्लिक अम्ल जो है एंजाइम की तरह व्यवहार कहलाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं राइबोजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर लिखा हुआ है एक मानव युग्मनज डैश होता है तो द्विगुणित होते हैं, राइट। नेक्स्ट है कॉर्पोरा कवार्डिजेमिना किस में होता है? कॉर्पोरा कवार्डिजेमिना किस में होता है? तो आप लोग जानते हैं इसका राइट जवाब हो जाएगा मस्तिष्क में यह होता है। नेक्स्ट है पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, बिंदु स्राव, शोषण क्या कहलाता है? तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा 33 का वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो इसका यह अल्बर्ट बूस सेविन ने खोज किया था। नेक्स्ट है सही क्रम को क्या करना है, चुनना है, सही क्रम को फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका है, उत्तक है, अंग प्रणाली है, उत्तक है, कोशिका है, पहले उत्तक नहीं आता है, राइट, यह दोनों गलत है। फिर देखिए कोशिका के बाद जो है उत्तक आता है, तो यह जो है A4 अमेरिका इज राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, ये लिखा हुआ है
उत्तक संवर्धन में डैश को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। 36 का जो है विभाज युक्तक होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो इसका सहायक होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है, राइट। नेक्स्ट है, पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन है? तो एधा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो क्या है, 39 का हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्या है लिखा हुआ, कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है ग्लाइकोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे और यह लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य करके अनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किया? तो आप लोग जानते हैं मटर पर किए थे, राइट। इसका राइट जवाब ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। आप यहीं पे इसको एंड करते हैं, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।